नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5, इसका प्रश्न नंबर 13 आज हम करने जा रहे हैं। प्रश्न 13 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है। हमने एक सरल समीका की थी, वो मैं सरल समीका आपको दिखा रहा हूं। वो कहती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये सरल समीका हमने की थी जो किसके बराबर थी, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। ये हमने एक सरल समीका पढ़ी है इस एक्सरसाइज में। अब बच्चों ध्यान से देखना, इसकी लेफ्ट साइड को मैं ऐसे ही नीचे उतार रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 0 के। तो इस पूरी ब्रैकेट की इस जगह क्या आ गया, 0 गुना ये पूरी ब्रैकेट नीचे उतार दो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है बच्चों, अब बहुत आसान था ये, इस रकम को ऐसे नीचे उतार दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये ऊपर से नीचे उतारा, 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे, चाहे वो जितना भी बड़ी बड़ा हो, जो भी हो, 0 को इस ब्रैकेट से गुना करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। अब अगले स्टेप में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये 3xyz इधर माइनस हो रहा है, जब ये 0 से बराबर के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 3xyz। तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। यही तो हमें सिद्ध करना था, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर है 3xyz के। तो ये हमने दिखा दिया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर है 3xyz के। तो इसका मतलब हमने जो सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में वह सिद्ध हुआ। तो हम यहां लिख देंगे, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और यदि आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।